नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस महिला की बात करेंगे जिसने अपने हुनर और हौसले से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला की, जिसका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला का सपना था कि वो इतनी लंबी उड़ान भरे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। कल्पना चावला की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला है और इनकी माँ का नाम संज्योति चावला है। कल्पना चावला अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद साल 1976 में कल्पना ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली महिला थी। जिसके बाद कल्पना चावला ने सन 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और मास्टर डिग्री करते समय ही कल्पना चावला की मुलाकात जिन पियर हैरिसन से हुई और साल 1983 में कल्पना ने जिन पियर से शादी कर ली। इसके बाद सन 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से कल्पना ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और इसी साल कल्पना ने नासा के साथ काम शुरू कर दिया। सन 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और इसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने उन्हें 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया। कल्पना चावला को नासा के इस मिशन में विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया। नासा के इस स्पेस मिशन ने 19 नवंबर सन 1997 को उड़ान भरी। कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये उड़ान भरी थी और इस मिशन में कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन का नाम था STS-87। इस स्पेस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया और इस मिशन के बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने 2001 में अपने दूसरे स्पेस मिशन में कल्पना चावला को सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन का नाम था STS-107। इस मिशन को शुरू करने से पहले ही कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार कुछ खराबियां सामने आ रही थी और इन खराबियों की वजह से इस मिशन की लॉन्चिंग डेट को 18 बार आगे बढ़ाया गया और इस स्पेस शटल की सभी खराबियों को ठीक करने में लगभग 2 साल लगे। जिसके बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी, जो कि इस स्पेस क्राफ्ट की आखिरी उड़ान साबित होने वाली थी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह स्पेस शटल वापस धरती पर आ रहा था, तब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हवा का दबाव बढ़ने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा और सभी अंतरिक्ष यात्रियों का खून उबलने लगा और इस वजह से शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वायुमंडल की गैस तेजी से स्पेसक्राफ्ट में घुसने लगी और स्पेस शटल पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा और इसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल में आग लग गई और यह धुएं के बादल में बदल गया और इस दुर्घटना के कुछ सालों तक नासा को यह पता ही नहीं चल पाया कि इस दुर्घटना के पीछे वजह क्या थी। सभी को यही लगता रहा कि शायद क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन नासा ने इस मामले की बहुत बारीकी से जांच शुरू कर दी और उसके बाद जो बात सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। नासा की जांच में ये पता चला कि इस हादसे की वजह इंसुलेशन फॉर्म था। इस इंसुलेशन फॉर्म को समझने के लिए हम स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों को समझते हैं, जिसमें हमें समझ में आएगा कि इंसुलेशन फॉर्म है क्या। जिस स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट को भी धरती से बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे फ्यूल की जरूरत होती है और अब हम फ्यूल के बारे में जानते हैं। ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और ये फ्यूल बहुत ही कम तापमान के साथ लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं और फ्यूल के
कम तापमान को मेंटेन करने के लिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहरी तापमान से फ्यूल का तापमान बिगड़ न जाए। और इसके अलावा भी रॉकेट के बाहर एक बायो पेड्रीम की एक्स्ट्रा लेयर का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर स्पेस शटल को अटैच किया जाता है। स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए स्पेस शटल को सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है। इसका तापमान लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है और स्पेस शटल को इस इंटेंस हीट से बचाने के लिए कई प्रकार की कोटिंग लगाई जाती है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के रूप में बनाया जाता है और इन्हें स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। इन्हें व्हाइट टाइल्स कहा जाता है। ये टाइल्स करीब 1200 डिग्री के तापमान से स्पेस शटल को बचाता है और स्पेस शटल के निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती हैं और यह स्पेस शटल को 2300 डिग्री की हीट से बचाने में सक्षम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान स्पेस शटल के विंग्स पर आता है और इसके विंग्स को ही हीट से बचाने के लिए रेन फॉरेस्ट कार्बन पैनल का उपयोग किया जाता है जो इन विंग्स को 3000 डिग्री के तापमान से बचाता है। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के स्पेस शटल की। तो जब इस स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक में लगा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा निकलकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में लगे रेन फॉरेस्ट कार्बन पैनल से टकरा जाता है और इसके कारण स्पेस शटल के विंग में 10 इंच का गहरा छेद हो गया और यह छेद धरती पर वापस आते वक्त वायुमंडल के दबाव को झेल नहीं पाया और सारी हीट इसके अंदर चली गई। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फोम ही था और इस बात को साबित करने के लिए नासा के विशेषज्ञों ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का एक डुप्लीकेट विंग बनाया और एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा तैयार किया और इस इंसुलेशन फोम के टुकड़े को लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बार बार विंग्स पर फेंक कर टेस्ट किया और इस बात को पुख्ता किया गया कि इंसुलेशन फोम के टुकड़े के विंग्स से टकराने से जो नुकसान हुआ यही कारण बना इस स्पेस शटल में होने वाले ब्लास्ट का। इस हादसे में 10 साल बाद 17 जनवरी सन 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वॉयन हिल ने एक ब्लॉग में खुलासा किया था। लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टुकड़े से हुए इस हादसे को नासा के मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को समझ चुका था कि इस मिशन से कोई भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस धरती पर नहीं लौट सकता और यह बात जानते हुए भी नासा ने अपने क्रू मेंबर्स को इस बात को कभी नहीं बताया, उनसे छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नासा इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ था और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है यदि इस नुकसान की जानकारी स्पेस शटल में बैठे यात्री को मिल भी जाती तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। और ये भी कहा जाता है कि नासा यह नहीं चाहता था कि मिशन पर सभी अंतरिक्ष यात्री है सुनकर परेशान हो जाएं और अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में ये सोच कर जिए कि हम मरने वाले हैं, इसलिए शायद नासा ने अंतरिक्ष यात्री को ये नहीं बताया। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो के जितने भी मौसम संबंधित उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे और इसके अलावा भी कल्पना चावला छात्रवृत्ति और कुछ अन्य चीज़ों में भी कल्पना चावला का नाम रखा जाएगा और नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। तो दोस्तों ये थी कहानी कल्पना चावला की जो स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। कल्पना चावला आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।